हेलो फ्रेंड, पूजा किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट टाइप की रेसिपी। हम लेके आए हैं तो आज हम बनाने वाले हैं पकौड़ा। पकौड़ा सभी को बहुत पसंद आती है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज हम पकौड़ा ही बनाएंगे, वो भी डिफरेंट टाइप से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने हाथों में यहाँ पे मिक्सचर लिया है, हल्दीराम का मिक्सचर का पैकेट मैं ली हूँ और आज हम मिक्सचर से बनाएंगे पकौड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे चार ब्रेड लिया है, ये मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप कोई कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दो टाइप का मैंने मिक्सचर लिया है, चना दाल मिक्सचर, मिक्स मिक्सचर। तो सबसे पहले हम ब्रेड को ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए सारा तोड़ के मैं डाल दी, अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ब्रेड को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम मिक्सचर को ग्राइंड करेंगे, तो चना दाल मिक्सचर डालेंगे, ये मैंने आधा कप लिया था। मिक्स मिक्सचर थोड़ा सा मैंने एक चौथाई कप लिया था डालेंगे। इन सबको साथ में हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मिक्सचर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं बड़ा सा बाउल ली हूँ, अब इसमें हम डालेंगे ब्रेड का चूरा, जो ब्रेड को मैंने ग्राइंड किया था उसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिक्सचर को मैंने जो ग्राइंड किया था, ऐड करेंगे हम। एक मीडियम साइज की प्याज बारीक काट ली हूँ मैं, इसमें डालेंगे। दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, दो उबले हुए आलू यहाँ पे मैं ली हूँ, इसके छिलके को मैं हटा दी थी, इसको हाथों से हम इस तरह से तोड़ के डालेंगे। प्याज का पत्ता डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने प्याज का पत्ता बारीक काट लिया था, मैं डालेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चार चम्मच हम यहाँ पे चावल का आटा लिए हैं, वो डालेंगे हम, क्रिस्पी बनेगा इससे। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ में हम यहाँ पे धनिया पत्ता लिए हैं, धनिया पत्ता डालेंगे, बारीक काट ली थी मैं इसे। आधा चम्मच हम यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे, बहुत ही चटपटी बनेगी इससे। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं मिला ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक चौथाई कप पानी लिया है, हमें इतने की ज़रूरत नहीं है, लगभग दो चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से मैं मिला ली हूँ। अब हम कटलेट का शेप देंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप देना है, लंबे में देना है, दे सकते हैं। इस तरह से हम लंबे कर लेंगे और हाथों से प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम सारा बना लेंगे। ये देख सकते हैं सारा मैं बना ली, कटलेट का शेप दे दी। अब हम डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं पैन ली हूँ, पैन में लगभग दो कप हम तेल डालेंगे। तेल दो कप डाल दिए, अब तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, लो में ही हमें डीप फ्राई करना है और हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाना है। नीचे से पक गया है, अब हम पलटेंगे। अब दूसरी तरफ हमें अच्छी तरह से पकाना है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ब्राउन होने तक हमें तलना है, ये देख सकते हैं ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है।
काफ़ी क्रिस्पी बनी है। देख सकते हैं फ्रेंड, मिक्सचर से पकौड़ा बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर बनाइए अपने घर में। अगर मेरी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप मेरी वीडियो को देख के इन्जॉय करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।